कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने आपके एक प्रीवियस वीडियो दी है इसी पे कि आप 10th के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 10th के बाद बेस्ट ऑप्शन क्या है मेरी नज़र में, और आज के फ्यूचर मतलब आज का देख के कि आज क्या चीज़ अच्छा चल रहा है, कौन सी स्ट्रीम अच्छी चल रही है, कहाँ ब्राइट फ्यूचर है। देखो, आपके पास तीन ऑप्शन है, मैंने बताया था तीन ऑप्शन, क्या मेनली चार ऑप्शन होते हैं, ठीक है। पीसीएम, आपका पीसीएम हो गया, पीसीएम हो गया, पीसीबी हो गया, अकाउंट हो गया, और एक हो गया आपका आर्ट्स। मुझे नहीं लगता आर्ट्स कोई लेता होगा, बट लेने वाले लेते हैं, जिनका इंटरेस्ट है वो लेते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से पहले देखो होता था कि जिसकी मैथ में कम मार्क्स आते हैं उसे बायोलॉजी कॉमर्स से आर्ट्स दे दी जाती थी, बट आजकल ऐसा नहीं है, आजकल सब कुछ मिल जाता है। तो हम अब इम्पोर्टेंट अपने स्ट्रीम पे बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो क्या है आपका मेरी नज़र में, या फिर आज के फ्यूचर के देख के नज़र में, वो है आपका पीसीबी। इसका मतलब है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीन सब्जेक्ट आपके उस स्ट्रीम में होंगे। इसके अलावा आपका हिंदी भी होगा, हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, मतलब और हो सकते हैं ऑप्शन होंगे वो, ठीक है। तो ये चीज़ होंगे होंगे, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। देखो, इसमें आपकी बायोलॉजी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, डायग्राम वगैरह बहुत अच्छे तरीके से बनाने आना चाहिए। आप मतलब कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। एक होता है माइंड शार्प होना, एक होता है मेहनत करना, ठीक है। जो मेहनत करता होगा वो बायोलॉजी निकाल ले जाएगा, क्योंकि माइंड शार्प मैथ वाला करता है कि जिसका माइंड शार्प होगा वो कम टाइम में बहुत अच्छा अचीवमेंट कर लेता है, लेकिन बायोलॉजी में मेहनत होती है, ठीक है। ये आ गई आपकी, जो भी आप कोर्स करोगे इसमें भी एक तरह से आपकी मेहनत दिखेगी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या देखो, इसमें कैरियर ऑप्शन में क्या है, हम चलो इसको डिस्कस करते हैं। इट्स स्ट्रीम इम्पोर्टेंट पार्ट इन मेडिकल फील्ड, वी कैन चूज एनी मतलब मैनी ऑप्शन ऑफ कोर्स लाइक दैट। देखो, जो मेनली पार्ट होता है ना, इसका जो मेनली पार्ट होता है वो आपका होता है मेडिकल फील्ड में जाने का, ठीक है। और आज के टाइम में आप देख रहे हो मेडिकल फील्ड में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बेरोजगार हो, मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान बेरोजगार होगा, अगर होगा तो वो करना नहीं चाह रहा होगा, ठीक है। तो ये हाल अभी है, प्राइवेट है, लेकिन ये है कि सैलरी अच्छी खासी मिल जा रही है प्राइवेट में भी, ठीक है। हॉस्पिटल्स हैं आपके, लैब हो गई, तो ये सब चीज़ें देखो। चलो कोर्स की बात करते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से हमारे पास कोर्स हैं, देखो पहला है ये बीएससी नर्सिंग, इसमें आपके पास 12th होनी चाहिए पीसीबी से, ठीक है। एएनएम में आपकी 12th होनी चाहिए, ठीक है। जेएनएम में आपकी 10th भी चल सकती है, ठीक है। और फिर इसके बाद देखो, जो ये आपका ये बीएससी नर्सिंग हो, ये आपके 4 साल का कोर्स है, ठीक है। एएनएम आपका 3 साल का कोर्स है, और जेएनएम आपका 2 साल का डिप्लोमा है, ठीक है। ये डिग्री है, ये डिग्री है, ये दोनों डिप्लोमा है आपके, ठीक है। एमबीबीएस आपका, आपको पता ही है एमबीबीएस के बारे में, मुझे कुछ मतलब ज़रूरत नहीं है कि सभी जानते हैं एमबीबीएस के बारे में, ठीक है। फिर आपकी बीएमएस, देखो अब इसमें फ़र्क क्या होता है, अब मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। बीएमएस देखो, एमबीबीएस जो होते हैं ना, देखो जो ये एमबीबीएस है ये क्या है, ये आपका जैसे कि होता है एलोपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं उनके बारे में नॉलेज देते हैं, उनके बारे में बताते हैं, ठीक है। काम दोनों इक्वल दोनों है, बट बीएमएस क्या है आपका आयुर्वेद डॉक्टर है, ठीक है। आयुर्वेदिक, ये दोनों की जानकारी, बीएमएस दोनों की जानकारी रखते हैं, बट मेनली आयुर्वेदिक में होते हैं, ठीक। ऐसे ही एमबीबीएस को होता है कि जानकारी दोनों के बारे में होती है, लेकिन मेनली आपकी एलोपैथी दवाई के बारे में होता है, ठीक है। ऐसे ही डी फार्मा, जो मेडिसिन के बारे में जितनी भी नॉलेज होगी वो डी फार्मा वाला रखेगा। इसमें आपके 12th मांगते हैं, 2 साल का डिप्लोमा है, ठीक है। इसके बाद लाइसेंस मिलता है आपको मेडिकल स्टोर पर आपको बैठने का, क्योंकि उनकी दवाई को बेचने का, ठीक है। और एक होता है लैब टेक्नीशियन का कोर्स, ये तो आपका 2 साल का डिप्लोमा है, ठीक है। ये भी डिप्लोमा है जो आपके लैब में जितने भी आपके टेस्ट होते हैं, उनको कौन टेस्ट करता है वो सारे लैब टेक्नीशियन होते हैं। उसके बाद और भी होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो आपके क्या कहते हैं उसको, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, जो आपका ये अल्ट्रासाउंड लेते हैं, ये एक्सरे करते हैं, वो सब चीज़ होते हैं, तो उन सबका भी कोर्स होता है। तो इस फील्ड में बहुत बहुत कुछ है आपके लिए करने के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये फ्यूचर मतलब ये स्ट्रीम लेनी ज़्यादा बेनिफिट होगी आज के टाइम में, ठीक है। तो वही चीज़ है, मैंने मतलब बहुत ब्राइट फ्यूचर है इस कोर्स में, इस स्ट्रीम में। तो आप अपना डिसीजन जो है वो शार्पली लें, क्लियरली लें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपकी कोई इच्छा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बेस्ट ऑफ लक।